कहते हैं अगर मन में कुछ कर दिखाने की चाह और कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। महिलाओं को शक्ति माना जाता है और जब ये शक्ति किसी काम को करने की ठानती है तो रास्ते स्पष्ट होते जाते हैं और काम करने की लगन हर कठिन से कठिन कार्य करवा देती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया उत्तर प्रदेश कानपुर देहात की एक बेटी राजकुमारी ने। राजकुमारी ने पढ़ाई कर घर की जिम्मेदारियों को कंधों पर उठाया और आगे बढ़ती गई। कम उम्र में ही अपने हौसलों को बुलंद करने वाली कानपुर देहात की रहने वाली राजकुमारी महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है, जिसने अपने गांव में परंपरागत चले आ रहे अपने समुदाय के रीति रिवाजों से हटकर नई बुनियाद डाली। समुदाय की लड़कियों के अतिरिक्त जनपद की अन्य महिलाएं भी आज उसकी सराहना कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात के मैथा ब्लॉक के बैरी सवाई पंचायत का मजरा हृदयपुर जोगीडेरा की 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी की। वह एक ऐसे गांव में रहती हैं जहां सभी सपेरे समुदाय के लोग निवास करते हैं और सांप को गांव कस्बों में घूमते हुए दिखा दिखाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं इस छोटे से गांव में अपने ननिहाल में रह रही राजकुमारी ने संघर्षों के रास्ते पर हिम्मत नहीं हारी। नाना के गुजरने के बाद उसने सिलाई कढ़ाई का काम गाँव में लोगों से सीख लिया। इसके बाद धीरे धीरे पैसे एकत्रित कर सिलाई मशीन खरीद ली और पूरे परिवार का जीवन यापन करने लगी। दरअसल राजकुमारी ने इंटरमीडिएट तक अपनी शिक्षा पूरी की। इसी के साथ परिवार के भरण पोषण के लिए उसने एक कदम बढ़ाया जो कि उसे नामुमकिन लगा, लेकिन हो गई। राजकुमारी ने बताया कि उसने मजदूरी करने के साथ साथ सिलाई का कार्य अपने ही गांव में सीखकर खुद के पैसों से सिलाई मशीन खरीदी और वह एक साल से सिलाई कर रही हैं, जिससे उसने समुदाय की लड़कियों के लिए नई नींव डाल दी है। आज राजकुमारी अपने परिवार का खर्च भी उठाती हैं और खुद को भी संभालती हैं। लोग कहते हैं कि वह सिलाई कार्य में भी निपुण हैं। इसलिए चुना कि यहाँ पे जैसे हमारे बराबरी में ऐसा काम जैसे कोई पढ़ता भी नहीं है, ठीक है ना, तो हमने पढ़ाई की थी तो इसीलिए जैसे कि यही देखा कि कोई कर नहीं रहा था इसीलिए हमने ये काम चुना था कि घर की परिस्थितियों देख के इसीलिए कि कोई दिक्कत ना आए तो इसीलिए काम चुना था। पढ़ाई तो करते हैं मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो कुछ करने जैसे कुछ पाना होता है ना उसके लिए खोना भी पड़ता है ना, इसीलिए पढ़ाई इसलिए की तो मैंने सोचा कि और तो कुछ नहीं देखो क्या होता है तो इसीलिए मैंने सिलाई करना। चाहे कहीं भी रहें अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।